हेलो स्टूडेंट्स टुडे विल गो विद द क्वेश्चन नंबर फाइव ऑफ एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू जिसके अंदर हमें दो मैट्रिक्स गिवन है एक ए मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है हमें टू बाई थ्री वन फाइव बाई थ्री वन बाय थ्री टू बाय थ्री फोर बाय थ्री सेवन बाई थ्री टू और टू बाय थ्री और दूसरी मैट्रिक्स बी दी हुई है टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव वन वन बाय फाइव टू बाई फाइव फोर बाय फाइव सेवन बाई फाइव सिक्स बाई फाइव एंड टू बाय फाइव तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी थ्री ए माइनस फाइव वी की तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग उसके अंदर थ्री को लिखेंगे जैसे कि गिवन है और फिर हम ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास है वन बाय थ्री टू बाय थ्री फोर बाय थ्री सेवन बाय थ्री टू टू थ्री माइनस फिर फाइव और जैसे कि हमें बी मैट्रिक्स दी गई है टू बाई फाइव थ्री बाय फाइव वन वन बाय फाइव टू बाय फाइव फोर बाय फाइव सेवन बाय फाइव सिक्स बाय फाइव और जैसा कि हमें पता है ये क्या होती है डेल्टा मल्टीप्लिकेशन क्या होती है डेल्टा मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर हमें जो वैल्यू बाहर दी है कांस्टेंट उसको मैट्रिकस के हर एलिमेंट के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो जैसे मैं करता हूँ थ्री इंटू टू बाई थ्री थ्री इंटू वन थ्री इंटू फाइव बाय थ्रीन थ्री इंटू वन बाई थ्री थ्री इंटू टू बाई थ्री थ्री इंटू फोर बाय थ्री थ्री इंटू सेवन बाई थ्री थ्री इंटू टू थ्री इंटू टू बाई थ्री लाइक वाइज ऐसे ही हमारा जो ये टर्म है फाइव वो भी अंदर से मल्टीप्लाई होगी फाइव इंटू टू बाई फाइव फाइव इंटू थ्री बाई फाइव फाइव इंटू वन फाइव इंटू वन बाई फाइव फाइव इंटू टू बाई फाइव फाइव इंटू फोर बाय फाइव फाइव इंटू सेवन बाई फाइव फाइव इंटू सिक्स बाई फाइव फाइव इंटू टू बाई फाइव तो ये हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह से आ जाएंगी थ्री और थ्री कट हो जाएगा क्या आ जाएगा टू फिर थ्री फिर थ्री थ्री कट हो गया आ जाएगा फाइव ऐसे ही थ्री कट होगा वन यहाँ भी कट करेंगे टू यहाँ भी कट करेंगे फोर यहाँ कट करेंगे सेवन यहाँ सिक्स यहाँ कट होगा तो टू ऐसे ही यहाँ पे हमारी फाइव वाली टर्म्स कट हो जाएंगी फाइव फाइव कट हो जाएगा आएगा टू देन थ्री देन फाइव वन टू देन फोर सेवन एंड सिक्स एंड टू तो अब दोनों की सब्ट्रैक्शन कैसे होगी हर एलिमेंट अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन पे सब्ट्रैक्ट होगा जैसे टू माइनस टू थ्री माइनस थ्री फाइव माइनस फाइव वन माइनस वन टू माइनस टू फोर माइनस फोर सेवन माइनस सेवन सिक्स माइनस सिक्स टू माइनस टू तो यहाँ पे हमारे सारे एलिमेंट्स जो इसके रहेंगे वो जीरो जीरो हो जाएंगे और जब सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, तो वो मैट्रिक्स जो बनती है दैट इज जीरो मैट्रिक्स सो क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आएंगे अब हम स्टूडेंट्स दिया हुआ है सिंप्लीफाई कॉस थीटा कॉस साइन माइनस साइन कॉस प्लस साइन थीटा साइन माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा विल डू द सेम मेथड हम लोग क्या करेंगे हम लोग पहले इनको हर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस इंटू कॉस करेंगे कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा क्लोज करेंगे फिर अगली मैट्रिक में भी सेम प्रोसीजर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एंड देन साइन स्क्वायर थीटा तो अब बीच में इन दोनों के जैसे हमें दिखाई दे रहा है क्या है प्लस तो हर एक को कॉरेस्पॉन्डिंग पोजिशन पर प्लस किया जाएगा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा देन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस और ये माइनस का रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही ये माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइंस के थीटा तो कॉस्क्वायर प्लस साइन स्क्वायेर क्या होता है होता है वन तो ये हमें पता है एक प्लस का और माइनस का हम काट सकते हैं जीरो और ये काट सकते हैं ये आ जाएगा ज़ीरो और ये आ जाएगा वन तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डाइगनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होंगे वन वन होंगे और बाकी वाले ज़ीरो होंगे